नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड दिस वीडियो इज अबाउट फाइव बिगेस्ट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग एज एन ऑनलाइन सेलर और एज अ बिजनेसमैन। तो आज की वीडियो में मैं पांच ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है उसको हम कर बैठते हैं और हमको रियलाइज भी नहीं होता है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद एक ही है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस में अब घुस रहे हैं। बेस्ड ऑन जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, तो इस वक्त वो हो सकता है कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर बैठेंगे अगर वो प्रॉपरली अपने स्टार्टअप में या अपने इनिशियल स्टेजेस में ध्यान नहीं रखेंगे अपने बिजनेस का। तो यहाँ पे मैं पांच पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, तो ये पांच पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो जाए। सारे के सारे तो मैं नहीं कह सकता, बट शायद एक या दो हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। नंबर वन पॉइंट इज नो प्लानिंग और नो स्मार्ट गोल्स। अब ऑनलाइन सेलर्स जो हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि यार हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, चलो ठीक है ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमें चाहिए होगा एक वेबसाइट या फिर हमें कोई चाहिए होगा एक मार्केट प्लेस, वहाँ पे हमें डालने के लिए चाहिए होंगे कुछ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हम लेके आएंगे, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वहाँ से ही प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे, एक प्राइस में हम खरीदेंगे। अगर वो सेलर बोलता है कि होलसेलर कहता है कि हम 100 रुपये में देंगे तो हम थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे एज यूजुअल और उसकी प्राइस 100 से 95 कर देंगे और उसको हम खरीद के मार्केट प्लेसेस में बेचेंगे और फिर हम दुआ करेंगे कि ऑर्डर्स आने लग जाए। तो ये हमारी नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्लानिंग, कोई यहाँ पे गोल कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस राम भरोसे जो है वो बिज़नेस हम खड़ा करते हैं और राम भरोसे ही बिज़नेस जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे प्लानिंग और गोल्स आप कैसे सेट करेंगे, देखिए कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, छोटी जो समझदार कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले पेपर और पेन लेती हैं या फिर अपना कोई भी सिस्टम यूज़ करती है, वहाँ पे वो एक गोल सेट करते हैं और वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज का यूटिलाइजेशन करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मुझे फर्स्ट मंथ में 100 ऑर्डर्स पर डे के चाहिए या फिर लेट से फर्स्ट 30 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज मेरे 10 ऑर्डर्स पर डे के हो जाने चाहिए, तो अब ये अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं। अगर मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, फर्स्ट मंथ में मुझे ऑन एन एवरेज 10 ऑर्डर पर डे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे चाहिए होंगे प्रोडक्ट लाइन, ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो दूसरे सेलर जो बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा प्राइसिंग मेरा बेटर हो, ठीक है। अब प्राइसिंग बेटर होने से भी क्या काम हो जाएगा, नहीं, प्रोडक्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि एक ऑर्डर को जनरेट करने के लिए या फिर एक स्टैग्नेंट ऑर्डर वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बहुत सारे लोगों से आपको बात करके समझने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारी प्लानिंग में आ जाएगा। वो सब करने के बाद आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बिज़नेस शुरू करना है। हम क्या करते हैं, पहले बिज़नेस शुरू कर लेते हैं उसके बाद सारा प्लानिंग करते हैं, अरे यार ऑर्डर तो अब आ रहा नहीं है, यार बिज़नेस शुरू कर लिया 10 ऑर्डर भी नहीं आ रहे, 20 ऑर्डर भी नहीं आ रहे, अब क्या करें, अब प्लानिंग करते हैं चलो कैसे करना है, तो ये हम उल्टा करते हैं। प्लानिंग पहले करनी चाहिए, जो हम बाद में करना शुरू करते हैं, कब करते हैं, जब मजबूरी आती है तब करते हैं, तो ये हम बहुत बड़ी चीज़ जो है वो गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमें अगर हम पहले से अगर इसको सुधार लें तो आपकी आने वाली जर्नी जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। सेकंड पॉइंट, यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट पीपल रियली डोंट नीड, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, अगर आप कहीं और से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ज़्यादातर, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बेच रहे हैं उसकी लोगों को ज़रूरत है ही नहीं। लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। अब लोगों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सी चीज़ की उनको नीड है, वो उनको कैसे पता चलेगा। अगर आप वो नीड क्रिएट कर सकते हो किसी की लाइफ में, या जो भी वीडियो देख रहा है या जो भी प्रोडक्ट देख रहा है या जो भी लिस्टिंग को देख रहा है, अगर वो नीड आप क्रिएट कर सको उनके लिए तो वो प्रोडक्ट हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन की मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी पेन पड़ी है तो मैं ये वाली पेन क्यों लूँगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी ये पेन है तो मैं ये पेन क्यों लूँगा, तो मुझे इस पेन की एक नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं लिस्टिंग्स की या फिर प्रोडक्ट्स की और हम वेट करते हैं, दुआ करते हैं एज यूजुअल कि भाई ऑर्डर आ जाए, तो ऑर्डर ऐसे नहीं आते जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, ठीक है। हम और एक मिस्टेक करते हैं कि 200 500
1000 प्रोडक्ट लिस्टिंग में डाल दिए, अब बस ऑर्डर आने लगेंगे, अपने आप आने लगेंगे, कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, पर लिस्टिंग कर दी तो ऑर्डर्स जो है वो अपने आप आने लगेंगे। दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। द स्मार्ट वे इज टू क्रिएट अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट। नीड कैसे क्रिएट करोगे आप, कोई भी प्रोडक्ट हो पहले तो उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करिए, वो फीचर्स एंड बेनिफिट्स को आप इमेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि इमेजेस में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कोई भी बंदा अगर इमेज देखता है तो वो इमेज देख के समझ जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट की ये फीचर मुझे यहाँ पे ये बेनिफिट दे सकती है। बेनिफिट एंड फीचर दोनों अलग चीज़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये इसका फीचर है, ये है स्टाइलस पेन, ये फीचर है, इससे हम मोबाइल फ़ोन भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ये आप यूज़ यह बता सकते हैं कि आपके फिंगर्स में स्ट्रेस कम होगा, योर वन हैंड विल बी फ्री, ईजी टू यूज़, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, तो ये इमेजेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की एक नीड क्रिएट कर सकें तो आपके लिए बिजनेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, भले ही वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, एनीथिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट जो भी लेने वाला है बंदा, क्या उसको वो प्रोडक्ट की सीरियसली ज़रूरत है या फिर आप ज़बरदस्ती आप थोप रहे हो वो प्रोडक्ट उनको, तो ज़बरदस्ती तो कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं, आप भी जानते हो। और इमेजिन करिए एक ही प्रोडक्ट के अगर 50 सेलर आ जाते हैं, 100 सेलर आ जाते हैं, तो हालत क्या होगी। सो दिस पॉइंट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी बट प्राइस। नीडलेस टू मेंशन कि हम लोग यहाँ पे प्राइस कितनी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्राइस कम है तो भाई दे दे माल, हम निकालने की कोशिश करेंगे, भाई क्वालिटी गई तेल लेने, हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्वालिटी की, प्राइस कम है तो चलेगा, जितना माल बिकेगा बेचेंगे। बट एट द एंड क्या हो रहा है, आप देखिए आपकी एक मार्केट में रेपुटेशन भी धीरे धीरे उस हिसाब से हो जाती है कि भाई ये सस्ता और टिकाऊ माल बेचने वाला है। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैसा बिजनेस रहेगा वो आप खुद भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, भले ही दुनिया बेच रही है सस्ता, आप बेचो अच्छा, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मुझे पता है प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, बट जो भी कस्टमर खरीदेगा वो 100% सेटिस्फाइड होगा। अगर मैं ये पेन खरीदता हूँ, ये पेन की प्राइस है 100 रुपये, अब मैं सस्ती पेन खरीदता हूँ ऐसे 10 रुपये वाली, अगर ये मैं पूरे साल में 10 पेन यूज़ कर लेता हूँ अलग अलग, और ये पेन मैं पूरे साल तक यूज़ करता हूँ, तो कस्टमर ये पेन वाले जो भी सेलर है उसको याद रखेगा, ठीक है। तो प्राइस भले ही ज़्यादा हो, हाँ प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की, एक वैल्यू को अप्रिशिएट करने वाले कस्टमर्स का बेस अलग है, और लो प्रोडक्ट जो है, लो प्राइस वाले प्रोडक्ट खरीदने वाले कस्टमर का बेस अलग है, तो दोनों की तरफ स्ट्रेस रखना बहुत ज़रूरी है। बट सस्ते में भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट की अच्छे हों। बट अभी क्या हो रहा है चाइनीज़ में, पहले तो चाइना में से जो भी नया माल आता है वो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो घटिया माल ला के डंप कर देते हैं इंडिया में, और इतना सड़ा हुआ माल दे देते हैं कि मतलब पहले जो रेपुटेशन क्रिएट होती है वो रेपुटेशन की धज्जियाँ बाद में निकल जाती हैं। तो ये चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, नॉट बिल्डिंग योर ब्रांड बट अदर्स। अब इसका क्या मतलब है, अब आप प्रोडक्ट सपोज हमसे खरीद रहे हो, हमारी ब्रांडिंग उस पर की हुई है, अब आप तो बेच रहे हो प्रोडक्ट दबा के, ठीक है, यहाँ पर भी बेच रहे हो, वहाँ पर भी बेच रहे हो, बट अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़ायदा मुझको हो रहा है, मेरी ब्रांडिंग प्रोडक्ट के ऊपर की हुई है, ठीक है। भले जेनरिक ब्रांड हो, जनरल प्रोडक्ट्स हो, जेनरिक प्रोडक्ट्स हो, उसमें पैकेजिंग जो है ऊपर बॉक्स की वो तो मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी ब्रांडिंग हो रही है इनडायरेक्टली, आप प्रोडक्ट मेरे से खरीद रहे हो, सब कुछ मेरा ब्रांडिंग जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ रुपयों की वजह से, कुछ पैसे बचाने की वजह से आपका एक ब्रांडिंग नहीं हो पा रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा इफ़ेक्ट कि भाई आपकी, आप जहाँ से भी सोर्सिंग कर रहे हो, सपोज हमसे कर रहे हो, हमारी ब्रांडिंग उधर हो रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम करते नहीं है वैसे हमारी ब्रांडिंग कोई भी प्रोडक्ट्स में, बट सपोज़ हमारी ब्रांडिंग हम उसमें कर रहे हैं, तो 2 साल के बाद सिचुएशन आती है कि भैया कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे को मेरी ब्रांडिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है बिकॉज ऑफ यू, तो आपको फिर से वो ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिवली अगर आप एक अपना ट्रेडमार्क ले लें, ट्रेडमार्क लेने के बाद आप थोड़े से स्टिकर्स छपवा लें, ठीक है, आपके ब्रांडिंग के, आपके ट्रेडमार्क के स्टिकर्स आप छपवा लें, और जो भी प्रोडक्ट जाता है वो स्टिकर्स वो प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के भेजें, तो आपकी एक ब्रांडिंग इनिशियल स्टेज में एक अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे आपका सेल बढ़ने लगता है उसको फिर आप ग्रो करिए। अब स्टिकर्स बनाने का खर्चा कितना आता है, स्टिकर्स बनाने का खर्चा 1 या 2 रुपये डिपेंडिंग ऑन द साइज, ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो 3-4 रुपये सिर्फ निकाला और बॉक्स के ऊपर चिपका दिया, तो ये खर्चा होता है। बट आपके उसके अगेंस्ट में कितना फ़ायदा हो जाएगा वो शायद आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट, एंड हो सके तो इसको आप
फॉलो करिए, ये मिस्टेक आप मत करिएगा। किसी और की ब्रांड वैल्यू फालतू में मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आप किसी और को पैसे भी दे देते हो और उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाते हो, मतलब दोनों तरफ उनको ही फायदा है। पांचवा मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप अपने ट्रू पैशन को नहीं फॉलो करते हो, जस्ट पैसे को फॉलो करते हो। अब इसका मतलब सीधा यही है कि भले आपको ऑनलाइन बिजनेस में कोई रस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस में वो भी नहीं पता कि क्या होता है, बस आपको इतना पता है कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको पैसे कमाने मिल सकते हैं, तो आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ घूम गए। बट आपको कुछ नहीं पता, आपका पैशन ही नहीं है, आपके अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि हाँ मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, मुझे उसको पूरी तरह से सीखना है, मुझे इसका मास्टर बनना है ऑनलाइन बिजनेस का। ये आपका पैशन नहीं है, आपका पैशन क्या है कि मुझे पैसे कमाना है। तो पैसे तो देखिए आपको पता है कि कमाने के हज़ारों लाखों तरीके हैं पैसे कमाने के, तो ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना है आपको? अगर आपको पैसे ही कमाना है तो ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना है, वो मेरा सवाल है आपके लिए। आप लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या लिखना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आप जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे आप ऑनेस्टली बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने पैसे आज तक कमाए हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरा कुछ काम करते हो तो उसमें आप कितना पैसा एडिशनली कमा सकते थे आज तक, वो क्यों नहीं कमा सके? बिकॉज यू डिडंट फॉलो योर पैशन, यू जस्ट रैन आफ्टर मनी। पैसों के पीछे हम लोग भाग रहे थे, पैसा कमाना ई कॉमर्स में पैसा कमाना, पर हमें कैसे क्या करना है, नॉलेज कहाँ पे लेनी है, क्या लेनी है, कैसे सब कुछ होता है, वो हमें नहीं पता। सो हम पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंड हो गए और हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे, बट वो नहीं होगा जब तक आपको खुद को नहीं पता कि ये कैसे होता है। आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपका खुद का नॉलेज नहीं है इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, आप किसी और के ऊपर डिपेंड करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अंदर से अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि मुझे बिजनेस को सीखना है फिर पैसा कमाना है, देन इट्स द राइट वे। पहले मुझे पैसा कमाना है फिर देखेंगे कि पैसा कमाए तो ठीक है फिर सीखेंगे, तो ये तो भैया इट विल नॉट वर्क आउट एंड इट हैज़ नेवर। तो ध्यान रखिए इस पांच पॉइंट्स का। मैं आशा करता हूँ आप सबका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, फ्रूटफुल हो, काफ़ी प्रॉफिट हो, और आने वाले दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स हमको अभी तक हुई हैं वो सारी सॉल्व हो जाए। बट दोस्तों एज आई सेड देयर विल बी लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो एट टाइम्स, बट अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ में एफर्ट्स लगाओगे तो रास्ता तो बन ही जाएगा। आपने वो मूवी देखी होगी माझी वाली, तो अगर कंसिस्टेंटली कुछ भी किया जाए तो पहाड़ खोद के भी रास्ता एक बंदा निकाल सकता है। तो भाई ई कॉमर्स जो है वो कौन सी खेत की मूली है आप खुद ही बताओ, बहुत सिंपल है, बट नॉलेज आपको चाहिए होगा। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट ई कॉमर्स का ऑनलाइन सेशन जो है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट हाउ टू ग्रो कस्टमर, उसकी ट्रेनिंग जो है हमारी शुरू हो रही है अगले हफ्ते से, 11th of May से, जहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल एड कैंपेन्स, हाउ टू ग्रो कस्टमर और वीडियो एडिटिंग, ये 5-6 कोर्सेज जो हैं वो 8 दिन तक चलेंगे, वो मंडे से शुरू हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में ये दिए गए लिंक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।